ऐतिहासिक भजन है। हाँ साहब, बड़े भाव सुनो, आपने जरूर आनंद आई तोड़ जी, क्योंकि करणी माता ई धरती में शक्ति अवतार लियो, शक्ति भक्तारी अनेक अनेक भक्तारी इलाज बचाई जियो साहब। 100 रुपया बजरंगलाल जी सोनी साहब गांव सोनिया सर, बड़े भाव शक्ति रे भजन में दिया है, शक्ति आने मनोकामना जरूर पूरी करे साहब। 100 रुपया सवाई सिंह जी ठाकुर साहब, आज शक्ति रे भजन में बड़े भाव दिया है, कुलदेवी यारी मनोकामना पूर्ण करे, अंधंद्रा भंडार भरे साहब। तो करणी माता रो अवतार किसी समत में हुयो और किसी जगह हुयो साहब। गाया गाया तो दुनिया सब संसार गावे है, पर कुछ ऐतिहासिक बातों वार्तालाप होना जरूरी है साहब। हाँ, तो करणी माता कीरी बेटिया के यहाँ चारण समाज में शक्तियां बहुत सारी हुई थोड़ी जी, पर करणी माता मेवो जी चारण गोत्र किन्या और गांव ओशा तहसील में इस रूपे दुखने गांव सुआब गांव, सुआब गांव में मेवो जी किन्या जात्रा चारण आज को मां अवड़ी सेवा और पूजा करता और बारे सात पहला छह कन्या जलमी जद मेवे जी ने मां आइल माता सपने रूपी दर्शन देवे और अवड़ माता सपने रूपी दर्शन देवे जगीटे में मेवो जी ने पूछे के बताओ मेवो जी थारी काई इच्छा है। मेवो जी हाथ जोड़ प्रार्थना करी, हे माते श्री कहीं ने धन जोई जे, कहीं ने दौलत जोई जे, कहीं ने बेटा जोई जे, कहीं ने पोता जोई जे, मारे तो ईसो दिन हुए तो साक्षात आप रो रूप किसी ना किसी रूप में मारे आंगन में आवे साहब। तो देखो मांगे तो मेवो जी दई मांगे वीरा बेड़ा पार हुए। जद मां आयल मेवो जी ने वरदान देवे कहा तो राजा अजमाल जी महाराज ने भगवान स्वयं वरदान दियो, कृष्ण भगवान के बादूडेरी दूज रोर चंदो करे प्रकाश, राम देव बन आवश जद राखी जे विश्वास। उन प्रकार मेवो जी ने मां आवड़ वरदान देवे कि मेवो जी अबार थारे आंगने में आवने रो मारो टाइम को नहीं, पर एक समय ईसो आई जगह दिन में थारे आंगने में आव। जद मेवो जी कहे कि वो समय आवे जड़ तिथि बार काई हुए है। जद मां सांग्या मेवो जी ने कहे कि असोज मास पख उजला, असोज रो महीनो हुई उजल पक्ष हुई और तिथि सातम हुई, असोज मास पख उजलार सातम शुक्रवार, वार हुई शुक्रवार और थाने आंगणे में आई विराज हूं। जद थे मन में विचार ले लिया आज करणी लियो है अवतार, तो करणी माता रो अवतार आसोज रो महीनो उजल पक्ष सातम तिथि और वार शुक्रवार और समत 1444 और सातम शुक्रवार मेवो जीरे घरे कर्नल जन्म लियो आन लियो अवतार। तो शक्ति जो ही जन्म लेवे जगीजे में ताराचंद जी वारो करणी माता रो नाम पड़े रीतु भाई साहब, करणी माता जो ही अवतार लेवे उन टाइम हुई ठीक 3 मिनट रे बाद में करणी माता पर्चा देवना शुरू कर देंगे। कोई 5 साल री उम्र में देवता पर्चा देवे, कोई 10 साल री उम्र में, ये करणी शक्ति ईसा होया जो ठीक 3 मिनट रे बाद में ये धरती माते पर्चा स्टार्ट कर दिया। तो अचिर्ज में बड़ी इतिहासिक है और करणी माता अनेक अनेक भक्तारे इलाज राखी, अनेक अनेक भक्तारा कष्ट में जा। एक समय में करणी माता देश नुक धरा वसव ने गांव सुआपु गाया ले और देश नुक ओरण खानी चरण वास्ते आवे, बीच में गांव आ जावे जांगलो बिने पुरानी टेमे कहे कोइला पाटर बठेरा राजा कानल जी राजा राज करता और संध्या वदन हुए जगीटे में करणी माता मन में विचार करे अब
संध्या रो टेम है, थोड़ी माला अगरबत्ती धूप ध्यान कर ला। तो करणी माता अगरबत्ती की करता माँ आवड़ी सांग्या माता बादली राय। तो गायां बटे छोड़ दे और राजा राजा ने ध्यान ला गया। राजा अली मुस्लिम नौकर छाकरा ने कहो अबार अबार भी लुगाई ने कहो के कांकड़ू गाय बारे ले जावे अटे मारे घोड़ा अति चर। हाँ जद करणी माता की रात भर विश्राम कर दो तार जी और चार बजी भोर में पाची देश नुक जाती रहूं रात भर मारी गाय चरण दो। करणी माता ने कहा नहीं नहीं अबार यार निकालनी पड़ी महाराज और हुक्म है। करणी माता कहे भाई तो ही था राजा हुक्म है तुम्हारे कना सिंधु के सेवा पुजारी आ ऊंचा दो मैं अबार देश नु खानी रवाना हो जाऊं। अब सिंधु पूछावे तो तीन लोग की शक्ति ही पी सिंधु ग्रो वजन बढ़े साहब। जद करणी माता ने पाछो राजा ने आर अली मुस्ती कहे के बाद सिंधु कहे जगी आले भूने वजन बढ़े। राजा देख रहे बोलियो बजा अटेरो बट यही काटो एक रा दू उजो दू रा चार उजो पण हिंदू तो ऊंचावो भी लुगावड़ी ने बार बार काकड़ू बारे काटो। अब साहब एक रा दू उजे दू रा चार उजे चार आठ उजे आठ रा सोलह उजे सोलह रा बत्तीस उजे बत्तीस रा चौसठ उजे साहब सिंधु को नहीं आले क्योंकि तीन लोग शक्ति करणी माता री सिंधु। राजा स्वयं आज में मन में विचार करो सिंधु करो वजन बढ़े जठू आ कोई जादू करणी है पाकती कोई मौन सिंह दाई समझदार आ बे देख बोलिया का सिंधु करो वजन बढ़े तन को साधारण लुगाई कौन है आ कोई शक्ति है जादू करणी कौन है। राजा कहे आ शक्ति इन कोई भक्ति शक्ति हुई तो मारी मौत बताई। करणी माता देख रे मन में विचार करो मांगे ही मांगे भाइयों तो अर्जुन बायल दाई करणी माता मन में विचार करो थारी मौत तू मने काई है पावारी हिंदू पूंछा दे पण हिंदू पूंछा वे नहीं। और करणी माता के वे जा थारी मौत 12 महीना ने के 12 महीना कद हुए के जा थारी मौत 2 दिन ने के 2 महीना कद हुए। जद करणी माता ने रीस आवे दूनी चोगणी और हाथ में हुए त्रिशूल साहब और त्रिशूल लीक काटे और राजा ने कहे अगर तने जिंदगी चाहिए तो ई लीक हूं ई बड़ा रही राजा अरे अगर मौत देखनी है तो आ लीक आज पार कर दे। तो मूर्ख राजा हो और तोल जी किस प्रकार घोड़े अश्वारी हुए रो लीक पार नहीं पार करने री हिम्मत करे और शक्ति आगे काई लीला दिखा दे। और कवि लिखे हे मूर्ख न काने ए शक्ति न मानी ए ब्रोटनी बखानी जिदू भाई सा थाने ए ब्रोटनी बखानी मा हो ये सिंह रूप हे मैया ओ ये सिंह रूप अच्छट मारो मार लियो मडवाली ये साची संकलाई मुर्दा रे
जगदम्बा मैया की। कवि लिखियो है कि मूर्ख ना काने शक्ति ना मानी द्रोटणी बखाणी। कानल जी राजा जगा करणी माता ने काई पदवी देवे है कि कोई शक्ति ने भक्ति या कोई जादूगरणी है या भूतणी है या पलीतणी है या डाकण है या शारी है। जद कहे मूर्ख ना काने शक्ति ना मानी द्रोटणी बखाणी। और राजा जो ही लीक पार करे जगी में नव तो सिंगरो रूप धारण कर और राजा ने बटी मोक्ष कर दे राजा ने। और राजा बटे पानी पीर घी पीर होता जाए। करणी माता मन में विचार करियो अब बली खुली गया चर आगे करणी माता की लाज रखे है और सूक्ष्म रूपों चीजवा कवि बता रही और कवि लिखे है सावली रूप धार सके ने छिन में के दे छोड़ानी होली दुबई का छन में के दे छोड़ानी दूबी रूप रूप अनमोलक पकड़ी लावे पुरानी हे भवानी दूबी रूप रूप अनमोलक पकड़ी लावे पुरानी दिन थलवट रज धानी रिडमल तणी मां मुरदर राखी साचोड़ी हिंदवाणी। और पीकानेर बसायो है भाई कृपा करणी माता री थोड़ दी पछे लिख्यो है सांवली रूप धार सके ने क्षण में केद छोड़ानी दूंबी रूप कुंप अणदोलत पकड़ लीनी लाव पुराणी। पछे लिख्यो है खड़नता ऊंट टूटियो खातीरो जट बोलियो आरत बाणी लो ये तनो पग कियो किन्नी आने जद संकलाई थारी जाने। ओ भजन खुर्दगढ़ में इंद्र कौर भाई साहब शक्ति माने मुखार बिंदु आ चिरजवा लिखुड़ी है और कवि गाई है और कवि लिखी है भजन है
भक्त अलग अलग तरीके गावे थोड़ी जी और ओरिजिनल राग अलग अलग तरीके रे कवि लिखे है। ए भाई सईंद्र मा राम लमालक ए थारे दरे सने ताई ए भवनी मा ओ थारे दर सर ताई बालक थाने दर्शन ताई रमता खेलता शक्ति थे कदी खुर्द पदार जो दिन दिन धाबल वाली कर्नल किनियाणी साची शंकलाई मुर्दर देश रे उलो सच्चे दरबार की। इन प्रकार शक्ति अवतार लियो अवतार जी अनेक अनेक भक्तारी लाज राखी।